चलो जी हम स्कूल आ गए हैं। सियान अभी स्टेशनरी का टाइम नहीं आया, स्टेशनरी तो हम अलग बाय करेंगे। फिर ये उन्होंने दिया ये कलर पेंसिल, आइटम एडवांस में चल रहे हैं, स्टैंड में लगा के आओ सुनाया। हेलो फ्रेंड्स, तो गाइस आज हम जाने वाले हैं हमारी न्यू बुक्स लेने, तो हमारा एग्जाम तो रिजल्ट आ गया, अब बारी है न्यू क्लास की। तो गाइस मैं जा रही हूँ क्लास 9 में, मैं जा रही हूँ क्लास 7 में, और मैं जा रहा हूँ 5th में। तो गाइस मैं बहुत एक्साइटेड हूँ हमारी न्यू बुक सेट लेने में, इतना मजा आता है। न्यू बुक्स क्या है, आई एम वेरी एक्साइटेड कि कैसी बुक्स मिलेंगी। अभी कुछ कुछ एनसीईआरटी थी, कुछ कुछ नहीं थी, अब सारी एनसीईआरटी हो जाएंगी। आई एम वेरी हैप्पी। एंड सियान व्हाट अबाउट यू, आपको अपनी बुक्स देखनी है? ऐसे तो फोर्थ में भेज दो, टीचर भी अच्छी थी और मेरे को फिफ्थ में जाना भी, समझ रहे हो पागल स्कूल वाले ने इसको प्रमोट कर दिया और ये कह रहे मुझे फिफ्थ में नहीं जाना, ऐसा क्यों भाई साहब? जाना है, नहीं होता, फेल है, फेल है। सियान मैंने तो सोचा था मैं जाऊं, पागल है क्या? क्यों मुझे नहीं जाना? क्यों नहीं जाना? अच्छा रीजन क्या है? मुझे बड़े स्कूल नहीं जाना। नहीं नहीं सियान, पास होते हैं, आपके तो इतने अच्छे मार्क्स आए। मैं तो मजाक कर रहा था। मजाक कर रहा था, ज्यादा बड़ा हो गया ये, मजाक कर रहा था। भाई साहब इस बारी बुक्स भी ज्यादा आने वाली हैं। तैयार हो जाओ, टाइटन योर बेल्ट्स, टाइटन योर सीट बेल्ट्स। और इस बारी तो जर्मन, अच्छा सीट बेल्ट, इसकी बेल्ट। इस बारी तो जर्मन की भी पेपर होंगी, हमारे पिछली बार जर्मन की पेपर नहीं हुए थे। या एंड व्हाट अबाउट यू शनाया, आर यू एक्साइटेड? आई एम वेरी एक्साइटेड हां जी, अब तो मैं 7th ग्रेड में जाने वाली हूं। मतलब जैसे अभी रानिया का भी थोड़ी सी एनसीईआरटी नहीं थी, मेरी अब सारी एनसीईआरटी हो चुकी है। किताबें लेकर आए, अनान्या कहाँ रह गई? अनान्या पीछे वॉशरूम में आ रही है। आ रही, ओके आ गई अनान्या। हाँ जी, सो आई एम वेरी एक्साइटेड, सारा न्यू वाला है, सारा न्यू स्टडी मटेरियल, सारी न्यू बुक्स, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं तो। एंड भाई साहब आप भी कुछ बोल दो। मतलब बहुत मजा आएगा, मेरे न्यू बुक्स, मेरे न्यू मटेरियल, मेरे को तो फोल्डर भी मिलेगा साथ में, मैथ्स भी मिलेंगे। हाँ वेरी गुड, बहुत सही होता है। आपको पता है कि ना हमारे पास ना एक बायोलॉजी के लिए टूल्स आते हैं, नीडल्स, ब्रश भी आता है, मुझे वो दिखने कैसे होंगे बेटा? जिसको यूज भी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है सिर्फ उसको रखना नहीं है शो पीस पे, उसको यूज भी करना पड़ेगा, है ना? Let's go. तो गाइस मेरा बुक सेट मिलेगा सीनियर स्कूल से, शिनाया का भी बुक सेट मिलेगा सीनियर स्कूल से, एंड देन सियान का बुक सेट मिलेगा जूनियर स्कूल से, जहाँ पे अभी हम जा रहे हैं, क्योंकि सियान अभी बेबी है ना, छोटा सा नन्ना मुन्ना बच्चा है, अभी ये जूनियर स्कूल में है, ये नेक्स्ट ईयर जाएगा सीनियर में, जिसका इसको डर लग रहा था, बट विद टाइम सब सेटल हो जाता है, है ना गाइस? Yes. आपको भी जाकर अच्छा लगा था? Yes. वेरी नाइस गाइस, मैं तो अपनी सारी बुक्स नोटबुक पे बहुत मतलब अच्छा सा कवर लाइक उस पर करने वाली हूँ उसको कवर, एंड मेरा नेम तो मैं बहुत हमेशा सुंदर लिखती हूँ उस पर। एंड गाइस मैं सिर्फ नोटबुक से हूँ, ये बुक्स पे कवर चढ़ाती नहीं है, सिर्फ नोटबुक्स पे कवर देते हैं, पर नोटबुक्स पे ही होता है हमें जो ब्राउन चीट कर उसको करने में भी तो कितना मजा आता है। यस बहुत मजा आता है, मैं भी जब छोटी थी तो अपने कवर करती थी नोटबुक्स को, कई बार मैं उसको उल्टा कर देती थी, भाई साहब ये तो कर कर के चीजें आती है। सियान तू कवर करेगा नोटबुक्स? नहीं मेरी तो आप लोगों की हेल्प कर देना, और मेरा वैसे भी प्लास्टिक का आता है जो अभी सिर्फ वो जुड़ा हुआ आता है, हमें सिर्फ चढ़ाना होता है, उसके ऊपर लगाना होता है, क्योंकि मम्मा ही चढ़ाएंगी, क्योंकि जब भी मैं चढ़ाता हूँ तो फिर मुझसे फट जाता है वो। मम्मा आई रेडी, और उसके ऊपर नाम कौन लिखेगा? मेरी। मैं तो अपने नोटबुक पर खुद ही लिखूंगी। चलो जी हम स्कूल आ गए हैं, थैंक यू, लेंगे न्यू न्यू बुक्स एंड दिस इज अ जूनियर स्कूल। सियान मजा आ रहा है इतने दिनों बाद स्कूल आके? सो नाइस, सो प्रिटी, सो प्रिटी, सो नाइस। सियान अभी स्टेशनरी का टाइम नहीं आया है, स्टेशनरी तो हम अलग बाय करेंगे, आज हम सिर्फ बुक्स लेने आए हैं। हाँ हाँ सब लेंगे, मगर आज सिर्फ बुक्स, आप अपनी बुक्स टैली कर लो, इधर आ जाओ सर जी, चलो
ये आ गया साइन भाई का सेट, आर वी गुड टू गो? यस। स्टेशनरी बाद में, अभी नहीं दिखाना हमने सबको इकट्ठा। चलो जी उठाओ। ओके भैया, थैंक यू लेट्स गो। सान भाई बुक्स बढ़ गई हैं, ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। ओह माय गॉड, ज़्यादा बढ़ गई यार, इतनी पढ़ाई तो कैसे करेगा, इतनी पढ़ाई तो कैसे करेगा, छोटे तो बड़ा हो गया यार। डोल के चल रहा ये ड्रामा। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं खोलना, हाउस जाके खोलेंगे। चलो चलो रखो, हाउस जाके भाई, सो एक्साइटेड। तो गाइस, कल हम सारी नोटबुक्स और बुक्स ले आए थे सियान की, और हम सबकी भी ले आए थे। तो अब टाइम आ चुका है हमारी बुक्स को कवर करने का, एंड देन उसको अच्छे से सेट करने का हमारे स्कूल। और गाइस, आपके स्कूल में फॉरेन लैंग्वेज है तो हमारे घर भी है। मैंने चूज किया जर्मन, ये जर्मन की कॉपी है, ये कंप्यूटर की है कॉपी, और फिर ये फोर मैथ्स की है, और फिर ये फोर इंग्लिश की है, और फिर ये हिंदी, ये थ्री रेड हिंदी की है, और फिर ये फोर ग्रीन की, थ्री ग्रीन की है, ईवीएस, थ्री ग्रीन ईवीएस की है। और इस बैग में क्या है, बुक्स चाहते हैं। Oh my God. इतनी सारी बुक्स हैं। और दिस इज द वर्ल्ड गाइस, ये है द वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप, ये सारे पॉलिटिकल मैप्स हैं, और फिर ये उन्होंने दिया है एक हमें कलर पेंसिल्स का सेट, कलर पेंसिल्स का सेट, एंड वन पेंसिल बॉक्स, एंड सम जो ये नहीं होते कॉपीज के ऊपर जो हम स्टिक करते हैं, लाइक दिस नेम टैग्स, नेम टैग्स, और फिर वन फोल्डर फ्रॉम आवर स्कूल, और फिर ड्राइंग फाइल, ये है हमारी ड्राइंग फाइल स्केच बुक, एंड दिस इज आवर हिंदी नोटबुक बुक, हिंदी बुक फॉर P5, दिस इज कंप्यूटर टच पैड, ओके, फॉर फिफ्थ, दिस इज मैथ्स। माय गॉड, इन्होंने बुक्स बदल दी है ना, दे चेंज द बुक्स, दे चेंज द बुक्स दिस टाइम, इसमें इसमें वो भी कराएंगे, ज्योमेट्री भी कराएंगे इसमें। स्टिकर लगा देगा और शनाया विल राइट द नेम फॉर हिम। ओके, अब चलते हैं दूसरे बच्चे पर। चलिए गाइस, अब शनाया की बारी आ चुकी है। शनाया ने तो ऑलरेडी शुरू भी कर दिया है। यस, ये कुछ तो कवर भी हो गई हैं, एंड शनाया की ऑलमोस्ट सारी नोटबुक्स आर कवर्ड एज यू कैन सी। मैंने गाइस उन पे अपना नेम टैग भी लगा लिया, नेम्स भी लिख जर्मन में मैथ्स की एग्जाम्पलर, ये है हमारी कंप्यूटर की बुक AI की, दिस इज आवर एनवायरमेंट ज्योग्राफी, दिस इज सोशल पॉलिटिकल लाइफ सिविक्स, दिस इज हिस्ट्री आवर पास्ट, दिस इज साइंस, एंड दिस इज मैथ्स टेक्स्ट बुक NCERT, दिस इज ज्ञान वाणी, ये व्याकरण की बुक है हमारी हिंदी की, ये भी चेंज। अब हमारी महाभारत सार लग गई है, हम 7th ग्रेड में, दिस इज गुलमोहर हिंदी की पाठ्य पुस्तक, अपडेट्स हुए नोटबुक में, एंड ये है मेरी इंग्लिश की बुक्स, मेन ये वाली होती है, मेन छोटी वाली है, ये मेरी कोर्स बुक है, एंड इसका नाम है माय इंग्लिश फोल्डर। लवली, और हमारा एक ये भी तो रीडर भी तो है साथ में, दिस इज नोन एज ब्लैक ब्यूटी, एंड हमको साथ में कैमलिन का ये पूरा ज्योमेट्री बॉक्स भी मिलता है। सियान वाज सो ईगर टू सी दैट, इतनी तब से कही जा रहा है शनाया, प्लीज खोल लो, मुझे देखना है, अच्छी क्वालिटी है, मुझे देखना है। तो एडवांस चल रही है, कॉपियां हमारी ऑलरेडी हो गई हैं, स्टैक भी हो गई हैं, एंड बस बैग के अंदर पैक होनी बाकी है। डिस्कशन चल रही है कि हम कॉपीज पर स्टिकर लगा रहे हैं या फिर बुक्स पर, तो डिसाइड हुआ है कि हम कॉपीज पर लगाएंगे। ओह माय गॉड, करेक्ट, दोनों पर। फटाफट अनन्या अब आपको अपने बुक्स का टूर दे देती है। चलो जी मैडम। तो गाइस, ये है बीहाइव इंग्लिश की सप्लीमेंट में इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है ये फॉर क्लास 9, ओके, एंड दिस इज साइंस की टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 9,
एंड देन दिस इज लेबोरेटरी मैनुअल साइंस की, दिस इज बेसिकली केमिस्ट्री. ओके ओह माय गॉड आई डोंट नो. साइंस की एग्जांपलर. ओके एंड देन इंग्लिश की ग्रामर एंड कंपोजिशन की वॉरेन मार्टिन. दिस इज सोशल साइंस, दिस इज दिस ज्योग्राफी की नाइट की बुक, दिस इज इकोनॉमिक्स की नाइट. इकोनॉमिक्स मेरा सब्जेक्ट हो गया है. And then this is civics, political. And आदि इको कहाँ है? इको. ओ ये economics. इको ये. And then this is history. Class 9. German. ये book कितनी भारी क्यों है? मुझे समझ नहीं आ रहा इतनी बड़ी क्यों है? And then this is moments, supplementary for class 9th English. And then this is words and expressions, English की पांचवी book. मैथमेटिक्स की टेक्स्ट बुक पता नहीं क्यों इतनी छोटी और इतनी मोटी क्यों है. नहीं मैथमेटिक्स की दो और आ चुकी है. ये हैवी बहुत है, इसको छोटी को छोटी मत समझ लेना. और दो और आ चुकी है अभी. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर. केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल बुक. ऑल राइट साथ में हमारे ये ब्राउन पेपर. ये भी है. ये इसलिए होता है. मुझे नहीं पता. दिस इज ड्रॉइंग एक्सरसाइज बुक जूलॉजी एंड बोटानिटी. Lovely. And we have some stickers. Notebooks itni saari hain. Fatafat inko cover kar lete hain. All right. And kyunki humne apna desk clean karne ki shuruaat kar di hai. Ab hum isko fatafat kya kar lenge? Stickers laga denge and then cover kar denge. अनानदी आप अपनी अपना नेम शनादी से लिखवाओगे? नहीं मैं खुद लिखूंगी. तो गाइस आपको आई होप कि अच्छा लगा होगा इन सबकी बुक्स देखकर. आप अपनी भी बुक्स ले आए हो मुझे कमेंट करके बताओ आप कौन सी क्लास में गए हो और आपने अपनी बुक्स की प्रिपरेशन शुरू कर दी कि नहीं. तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में. तब तक के लिए बाय बाय. माता पिता की इज्जत करना, भाई बहन को प्यार करना और हमारे वीडियोस देखते रहना. बाय. थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए. अनान्यास हेयर केयर रूटीन लंबे बालों का राज वीडियो लाइव हो चुका है हमारे चैनल RS मंत्री मंत्री व्लॉग्स पे. मेरा हेयर केयर रूटीन क्या है ये देखने के लिए क्लिक 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 क्लिक. बहुत अच्छी वीडियो है. क्लिक 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 क्लिक.